बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीएनएन न्यूज़ और मैं हूं गुलाम जहरा। अब रुख करते हैं खबरनामे की तरफ। खबर शामिल करते हैं जिला सांगड़ से। हमारे नुमाइंदे अमरान अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक टंडवादम पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर और चेयरमैन ऑयल एंड गैस सांगड़ मलक अमामुद्दीन शौकीन ने तलका हस्पताल का दौरा किया। हस्पताल में दरपेश मसाइल को जल्दी हल करने की यकीन दहानी कराई और MS तलका हस्पताल और अमले को मरीजों और आवाम की मुश्किलात को हल करने की हदायत की। तफसीलात के मुताबिक टंडवादम का वाहद तलका हस्पताल मसाइल से दुचार है, जिसमें सहूलियात को फकदान है। तलका हस्पताल में दरपेश मसाइल पर मीडिया और सोशल मीडिया पर खबरें चलाने और निशानदेही के बाद पाकिस्तान पीपल पार्टी के सीनियर और चेयरमैन ऑयल एंड गैस मलक अमामुद्दीन शौकीन ने तलका हस्पताल का दौरा किया। इस मौके पर NS तलका हस्पताल डॉक्टर कुलसुम अमरानी, एडवोकेट अकबर डोगर और दीगर भी उनके हमराह थे। उन्होंने हस्पताल के मुख्तलिफ वार्डों का दौरा किया और मरीजों को हस्पताल में दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया, जिस पर सीनियर मलक अमामुद्दीन शौकीन ने हस्पताल के डॉक्टर्स और अमले को इन्हें फिलफोर हल करने और मरीजों को बेहतर सहूलियात मुहैया करने की हदायत की। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि टंडवादम में गरीब और मुस्तहिक अफराद के लिए वाहद तलका हस्पताल है, जिसमें वो मुफ्त अपने इलाज मुआवजे की सहूलियात से फायदा उठा सके, लेकिन जो कि मुख्तलिफ मसाइल से दोचार है। हस्पताल में डॉक्टर्स की कमी का मसला सबसे बड़ा मसला है, खास तौर पर मेल डॉक्टर्स की कमी की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। बदकिस्मती से तलका हस्पताल में डॉक्टर्स की 50% असामियां खाली हैं। इसके अलावा लेबोरेटरी और दीगर टेक्नीशियन मसाइल भी अपनी जगह मौजूद हैं, जबकि मजाकरू हस्पताल में ट्रामा सेंटर और दीगर सेंटर्स भी तमीर किए गए हैं, मगर अभी तक फाल नहीं हो सके हैं। उन्होंने मजीद बताया कि मजाकरू हस्पताल में सीवरेज लाइन की बड़ी परेशानी का सामना था, जो कि ऑयल एंड गैस की फंड से हल कर दिया गया है और मजाकरू अस्पताल में नई सीवरेज लाइन डाल दी गई है और 15 दिन के अंदर उसे चला दिया जाएगा। इसके अलावा अस्पताल में और भी बिस्तर मसाइल मौजूद हैं, जिन्हें जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर उन्होंने ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर्स को भी अपनी ड्यूटियां सही तरीके से सरंजाम देने की हदायत की। इस मौके पर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि जल्द आम इंतखाबात होंगे और पाकिस्तान पीपल पार्टी आवाम की ताकत से कामयाब होगी और बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे। अपोजिशन जमहूरियत का हुसन है, हुकूमत के साथ साथ अपोजिशन का होना भी जरूरी है। PTI हुकूमत ने मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ धकेला और पाकिस्तान को एक दलदल में धकेल दिया था। जैसे ही DM जमातों ने हुकूमत और मुल्क को इस दलदल से निकाला और पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इसमें अपना भरपूर किरदार अदा किया। सियासत में इतिहाद बनते और टूटते हैं और मुल्की मफाद में पीपल पार्टी हर किसी से इतिहाद करने के लिए तैयार है। उन्होंने मजीद कहा कि सियासत में सबको इलेक्शन लड़ने का हक है और तमाम सियासी पार्टियों को मुकम्मल लेवल फ्लेट देना चाहिए। 9 मई के वाकयात में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाइयां होनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों के लिए हमारे साथ रहिए।